मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास टू. आई विश यू ऑल आर एंजॉइंग गुड हेल्थ एंड लर्निंग एट होम्स. आई एम योर SST टीचर अरुज यूनस. एज यू रिमेंबर इन आर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आर लेसन. प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट इन विच वी लर्न दैट ट्रीज एंड प्लांट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास फल पौधे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं. नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ऑल थिंग्स दैट आर गॉड गिफ्टेड, अल्लाह मेड. ऑल अल्लाह मेड थिंग्स यानी कि हर नेचुरल चीज़ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में आती है, जैसे कि प्लांट्स और इसके अलावा लैंड एक्सेट्रा. सो मूविंग फर्दर एंड वी ऑल्सो लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स ऑन ग्राउंड एंड इन द एयर नीड ट्रीज एंड प्लांट्स. जैसा कि आपको पता है कि हर जानदार चीज़ को दरख्तों और पौधों की ज़रूरत होती है. प्लांट्स हेल्प टू क्लीन एंड कूल द एयर. आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं वहाँ पे हवा जो है वो साफ़ रहती है. इसके अलावा हवा ठंडी रहती है क्योंकि जो दरख्त और पौधे हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं और एयर को कूल रखने में जो है वो हेल्पफुल हैं. ट्रीज़ एंड प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. और आपको पता है कि दरख्त और पौधे जो हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं यानी खाना फ्राहम करते हैं इंसानों को और जानवरों को. और हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रीज़ जो हैं वो एनिमल्स को और बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, होम प्रोवाइड करते हैं. आपको पता है कि वो अपने नेस्ट बनाते हैं और जो जानवर हैं वो दरख्तों के नीचे रेस्ट भी करते हैं. तो ये क्या है, ये शेल्टर हैं फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. एंड वी ऑल्सो लर्न दैट वी शुड नॉट कट ट्रीज. वी शुड ओनली कट दैम वेन दे आर डिजीज्ड और डेड. वी शुड ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स टू कीप आर एनवायरमेंट क्लीन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल पौधे उगाने चाहिए. गॉट इट? नाउ मूविंग फर्दर, टेक आउट योर SST कॉपीज. वी आर गोइंग टू डू लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ लेसन 8, प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट. सो अपनी SST की कॉपीज खोल लें और उस पर मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें और मैंशन करें यूनिट 2 लेसन 8, प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट. देन मैंशन लॉन्ग क्वेश्चन. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द लिविंग थिंग्स नीड. हर जानदार चीज़ को क्या चाहिए होता है? अभी अभी हमने पढ़ा है और कल भी हमने इसको पढ़ा था. सो जल्दी से मुझे बताएं हमें क्या चाहिए होता है. आंसर इज ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर नीड ट्रीज एंड प्लांट्स. हर जानदार चीज़ को, हर लिविंग थिंग को क्या चाहिए होता है? दरख्त और पौधे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उससे हम खाना लेते हैं. इसके अलावा उससे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, पेपर, चेयर, फर्नीचर एक्सेट्रा. इसके अलावा वो बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है. सो आंसर इज ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर नीड ट्रीज एंड प्लांट्स. डन माई डियर स्टूडेंट्स, गुड. Now moving towards question number 2, what does the trees and plants provide? अब हमें दरख्त पौधे क्या देते हैं, हम उनसे क्या लेते हैं? Answer is trees and plants provide food for humans and animals. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि दरख्त और पौधे हमें खाना प्रोवाइड करते हैं इंसानों को और जानवरों को. आपको पता है कि डिफरेंट तरह के बर्ड्स जो हैं वो फ्रूट्स खाते हैं दरख्तों पे से, वहाँ पे वो पत्ते उसके अलावा खाते हैं, जड़ी बूटियाँ खाते हैं. इसके अलावा हम इंसान जो हैं वो भी डिफरेंट तरह का फूड जो है वो दरख्तों और पौधों से हासिल करते हैं. सो आंसर, ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. डन माई डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड इट नीट एंड क्लीन. आपने बहुत प्यारा प्यारा इसको अपनी कॉपीज़ में लिखना है, प्रॉपर मेंशन करके यूनिट का नेम, यूनिट नंबर, लेसन नेम. नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज इट अगेन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द लिविंग थिंग्स नीड. ऑल लिविंग थिंग नीड ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर नीड ट्रीज एंड प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोवाइड. ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, After writing it neat and clean, you also have to learn it. They are very easy questions.
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लर्न योर होम टास्क. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.